बिलासपुर जिले के जोबड़ से जहां पर छात्रावास में खाने में कीड़े निकलने को लेकर छात्राओं द्वारा एसडीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया गया। जोबट के एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास की 6 से 12 कक्षाओं की सभी छात्राएं एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर छात्रावास में मिल रहे खाने में कीड़े निकलने की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल सभी छात्राएं स्कूल जाने को लेकर छात्रावास से निकली व एसडीएम कार्यालय पहुंच गई, जहां पर कार्यालय के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसकी सूचना एसडीएम देवकीनंदन सिंह को लगते ही मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बात की। एसडीएम ने छात्रावास अधीक्षक को हटाने की बात कही, लेकिन छात्राओं ने बात नहीं सुनी। काफी मशक्कत के बाद, समझाइश देने के बाद छात्राएं मानी और उत्कृष्ट विद्यालय अध्ययन के लिए पहुंची, जहां पर एसडीएम देवकीनंदन सिंह पहुंचे और छात्राओं को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सभी छात्राएं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में रहती है। वही सूत्रों के अनुसार कुछ शिक्षकों द्वारा छात्राओं को उकसाने की बात भी सामने आई, जिस पर एसडीएम ने जांच कर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। जोबट से जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। अरे भाई, तुम्हारी समस्या का हल चाहते हो कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा ये बताओ, यहाँ पे क्या होगा? जाओ बेटा, स्कूल पे जाओगे वो मैडम को बोलेंगे, प्रूव करो होगा, तुम्हें समस्या का समाधान होगा। अरे क्यों भाई, प्रिंसिपल साहब जो ये क्या है बच्चों का ये तमाशा? अरे सर, ये जबरदस्ती आ गई है, आप चलो घर चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो, आपको बोला ना मैंने, आप मेरे से बात नहीं करते, रेलवे से आ गए आप लोग। अरे सर, वो दो तीन लोग है भड़का रहे, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। अरे बेटा, मैं सब लेंगे, आप लोग मेरे को कौन बोलते हैं यार? अरे बेटा, ए सुनो, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे मैं ये बोल रहा हूँ ना, चलो ये बोल रहा हूँ, मैं आप लोग सबको कराऊंगा, चलो। अरे पहले तो सर, अप्रैल में भी बोल रहे सर, शिकायत करी थी सर आपको, सर अप्रैल में शिकायत दर्ज करी थी सर। मेरी बात तो सुनो, आपकी जो भी समस्या मेरे को बताओ ना, मैं उन्हें प्रदर्शन किया, क्या मामला था? जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई अभी, मैंने भी देखा कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली जो छात्राएं हॉस्टल छात्रावास में रह रही हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना ठंडा मिल रहा है और कई बार तो खाने में कीड़े भी निकल जाते हैं। तो उनकी मांग थी कि हमें ये खाना अच्छा दिया जाएगा और हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनका अभी एक प्रदर्शन जैसा था, इसके पीछे हम देखते हैं कि किस कौन जांच करवाते हैं, कौन है इसके पीछे, इस तरह का बच्चों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, इसकी जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध तत्काल आज ही कार्रवाई के लिए हम प्रस्तावित करेंगे। सर, बच्चों का आरोप है कि हमको एक बेड पे 3 से 4 गर्ल्स सो रही है।
इसकी पूरी जांच हम करवाते हैं कि बच्चियों की दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, ये पूरी जांच करवा लेते हैं। सर, अधीक्षक को आपने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया? मेरे द्वारा अभी तत्काल एसी ट्राइबल जानकी मैम से बात भी की गई, उन्हें बताया गया, तो उन्होंने मैम ने कहा कि ठीक है, हम उसको अर्चना चौहान जो वर्तमान अधीक्षिका है उसको तत्काल उसको हटा देते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।